बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड इन विच वी डिस्कस डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पर्पसेस, गाइडलाइंस फॉर मेकिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड, आइटम्स इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस इट्स डेफिनेशन। An anecdotal record is an observation that is written like a short story. They are descriptions of incident or events that are important to the person observing. Anecdotal record basically एक observation है जो कि एक short story की तरह लिखी जाती है। ये एक person observe करता है जिस record में किसी वाक्य, किसी event, किसी तकरीबात के बारे में तफसील से बयान किया जाता है। Anecdotal record are short, objective and accurate as possible. Then its meaning. Informal device used by the teacher to record behavior of students as observed by him from time to time. ये एक informal device है जो कि teacher इस्तेमाल करता है student के behavior को record करने के लिए जो कि वो time to time observe कर रहा होता है। It provides a lasting record of behavior which may be useful later in contributing to a judgment about a student. ये record बहुत देर तक रखे जा सकते हैं जो कि बाद में भी इस्तेमाल किए जाते हैं student के behavior को judge करने के लिए। ये example के तौर पर कुछ format हैं। Then characteristics of anecdotal record. They should contain a factual description of what happened, when it happened, and under what circumstances the behavior occurred. ये तफसीलात, ये descriptions हकाइक पर मबनी होनी चाहिए। Of what happened, के क्या हुआ, when it happened, कब हुआ, and under what circumstances the behavior occurred. और किन हालात के बिना पर इस तरह का behavior वाक़े हुआ, यानी क्या सिचुएशन थी, क्या ऐसी क्या कंडीशंस रहीं कि स्टूडेंट ने इस तरीके से बिहेव किया या इस तरीके से रिएक्ट किया। सेकंड है हमारे पास द इंटरप्रिटेशन एंड रिकमेंडेशन। एक्शन शुड बी नोटेड सेपरेटली फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। तजवीज़ करदा एक्शन तफसीलात से अलग नोट डाउन करने चाहिए। ईच एनेक्डोटल रिकॉर्ड शुड कंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ अ सिंगल इंसिडेंट। हर एनेक्डोटल रिकॉर्ड में एक सिंगल इंसिडेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। द इंसिडेंट रिकॉर्ड शुड बी डेट कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर रिकॉर्डेड इंसिडेंट अहम होना चाहिए स्टूडेंट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। एक्यूरेट और स्पेसिफिक होना चाहिए। देन पर्पसेस। द फर्स्ट point is to stimulate teachers to look for information pertinent in helping each student realize good self-adjustment. ये teacher की हौसला अफजाई में मदद देते हैं कि वो नई से नई information को सीख कर सके, तलाश कर सके और उसकी मदद से student को ये realize करवा सके कि उन्हें हालात के मुताबिक ख़ुद को बेहतर तरीके से किस तरह से ढालना है। To understand individual's basic personality pattern and his reaction in different situations. और हर individual अपनी बुनियादी शख्सियत को understand कर सके और वो ये समझ सके कि उसे different situation में किस तरीके से react करना है। Next है, the teacher is able to understand her pupil in a realistic manner. Teacher इस काबिल हो जाए कि वो समझ सके कि उसके स्टूडेंट के वो अपने स्टूडेंट को हकीकत पसंदाना तौर पे अच्छे से समझ सके। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी पीपल टीचर रिलेशनशिप। ये अपॉर्चुनिटी भी फराहम करता है कि स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप को हेल्दी बना सके, उन दोनों की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सके। इट कैन बी मेंटेन इन द एरियाज ऑफ बिहेवियर डेट कैन नॉट बी एवेल्यूएटेड बाय अदर सिस्टमेटिक मेथड। इसके ज़रिए हम बिहेवियर के डिफरेंट एरियाज़ को मेंटेन कर सकते हैं जो कि बाकी सिस्टमेटिक मेथड के ज़रिए हम एवेल्यूएट नहीं कर सकते। हेल्प्स द स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर बिहेवियर
as it is a direct feedback of an entire observed incident, the student can analyze his behavior better. इसके ज़रिए स्टूडेंट को हेल्प मिलती है कि वो अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके। और डायरेक्ट फीडबैक के ज़रिए स्टूडेंट अपने बिहेवियर को एनालाइज कर सकता है, वो ये जान सकता है कि उसने अपने बिहेवियर को किस तरीके से बेहतर बनाना है। गाइडलाइंस फॉर मेकिंग एनेक्डोटल रिकॉर्ड, कौन कौन से पॉइंट ज़रूरी होते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड को बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट द रिकॉर्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द इवेंट। द लॉन्गर यू लीव इट टू राइट योर एनेक्डोटल रिकॉर्ड, द मोर सब्जेक्टिव एंड वेट द ऑब्जर्वेशन विल बिकम आफ्टर द इवेंट। इवेंट के बाद जितना जल्दी पॉसिबल हो रिकॉर्ड को नोट डाउन कर लेना चाहिए। जितने लॉन्ग टाइम के लिए हम इसे छोड़ देंगे, जितने लॉन्ग टाइम के लिए हम इसे रिकॉर्ड करके छोड़ देंगे, मतलब लिखेंगे नहीं, तो उतने ही उसके अंदर सब्जेक्टिविटी पैदा होगी। सब्जेक्टिविटी मीन्स जब हम काफ़ी टाइम तक उसे छोड़ देंगे तो हमें वो एग्जैक्ट एज इट इज़ याद नहीं रहेगा, तो उसके अंदर हमारे अपने ओपिनियन इंक्लूड हो जाएंगे। इन योर एनेक्डोटल रिकॉर्ड आइडेंटिफाई द चाइल्ड, आइडेंटिफाई द टाइम, चाइल्ड, डेट एंड सेटिंग। आपके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में स्टूडेंट का नाम आइडेंटिफाई होना चाहिए, टाइम मेंशन होना चाहिए और डेट मेंशन होनी चाहिए। डिस्क्राइब द एक्शन एंड व्हाट वाज सेड, एक्शन को तफसील से डिस्क्राइब करना चाहिए एंड व्हाट वाज सेड कि वहाँ क्या कहा गया या क्या हुआ। इंक्लूड द रिस्पॉन्सेज ऑफ अदर पर्सन इफ दे रिलेट टू द एक्शन। उसमें दूसरे लोगों के भी रिस्पॉन्सेज इंक्लूड होने चाहिए अगर कोई भी दूसरा पर्सन या दूसरा पीपल उस एक्शन से रिलेट कर रहा है तो। डिस्क्राइब द इवेंट इन द सीक्वेंस दैट इट इज अकर। इवेंट को उसी तरतीब के साथ डिस्क्राइब करें जिस तरह से वो पेश आया। रिकॉर्ड शुड बी कंप्लीटेड, रिकॉर्ड कंप्लीट होना चाहिए। द टीचर शुड हैव प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग इन मेकिंग ऑब्जर्वेशन एंड राइटिंग रिकॉर्ड। टीचर को बहुत अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो रिकॉर्ड अच्छे से रिकॉर्ड कर सके और लिखने की उसके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए। देन आइटम्स इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड, कि कौन कौन से आइटम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में इंक्लूड होने चाहिए। फर्स्ट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड शुड बी फैक्चुअल, सिंपल एंड क्लियर। एनेक्डोटल रिकॉर्ड का पहला हिस्सा फैक्चुअल मीन हकाइक पर मबनी होना चाहिए, सिंपल मीन सादा होना चाहिए एंड क्लियर वाजे होना चाहिए। नेम ऑफ द स्टूडेंट्स के नाम मेंशन होने चाहिए, यूनिट, वार्ड या डिपार्टमेंट मेंशन होना चाहिए, डेट एंड टाइम मेंशन होना चाहिए, ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ व्हाट हैपेंड, तफसीली रिपोर्ट होनी चाहिए कि क्या हुआ। द सेकेंड पार्ट ऑफ एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड मे इंक्लूड एडिशनल कमेंट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन बेस्ड ऑन इंटरप्रिटेशन एंड जजमेंट। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड का जो दूसरा हिस्सा है उसमें एडिशनल कमेंट इंक्लूड होने चाहिए, रिकमेंडेड एक्शंस इंक्लूड होने चाहिए और जो कंक्लूजन है वो बेस करना चाहिए इंटरप्रिटेशन और जजमेंट पर। देन एडवांटेजेस, नीड नो स्पेशल ट्रेनिंग, यूज ऑफ फॉर्मेटिक फीडबैक, इजी टू डेवलप, ओपन एंडेड एंड कैच अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, कैन सेलेक्ट बिहेवियर और इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड इग्नोर अदर्स, और कैन सैंपल अ वाइड रेंज ऑफ बिहेवियर, डिफरेंट टाइम्स, एनवायरनमेंट एंड पीपल। इसके फवायद ये हैं कि इसके लिए किसी स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये इजी टू डेवलप बनाना आसान होता है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के बारे में हम इसमें लिख सकते हैं और इसमें ऑब्जर्वर अपनी मर्जी के बिहेवियर, अपनी मर्जी के इवेंट को सेलेक्ट कर सकता है और बाकी सब कुछ वो इग्नोर कर सकता है। डिसएडवांटेजेस, इफ केयरलेसली रिकॉर्डेड द पर्पस विल नॉट बी फुलफिल्ड, ओनली रिकॉर्ड्स इवेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन डूइंग द ऑब्जर्विंग।
क्वालिटी ऑफ द रिकॉर्ड डिपेंड ऑन द मेमोरी ऑफ द पर्सन डूइंग द ऑब्जर्विंग, डिफिकल्टी इन स्कोरिंग, टाइम कंज्यूमिंग, लिमिटेड एप्लीकेशन। अगर ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड केयरलेसली रिकॉर्ड किया जाएगा तो हमारा मकसद सही से फुलफिल नहीं होगा, सही से पूरा नहीं होगा। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस ये है कि ऑब्जर्वर अपनी मर्जी के, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक पर्सन के बिहेवियर को रिकॉर्ड करेगा, बाकी सब कुछ वो इग्नोर कर देगा। क्वालिटी ऑफ द रिकॉर्ड डिपेंड इस रिकॉर्ड की क्वालिटी डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की मेमोरी पर। जितनी अच्छी उसकी मेमोरी होगी वो उतनी अच्छी एज इट इज़ उसे रिकॉर्ड करेगा, और अगर उसकी मेमोरी इतनी अच्छी ना हुई, ऑब्जर्वर की मेमोरी इतनी अच्छी ना हुई, तो उतने ही रिकॉर्ड की क्वालिटी बैड होगी। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, डिफ़िकल्टी इन स्कोरिंग, स्कोरिंग करना मुश्किल होगा, मुश्किल होता है। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। लिमिटेड एप्लीकेशन इसमें इंक्लूड होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन। Thank you.